कन्नौज का आरोपी नवाब सिंह खुद के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सका। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने आखिरकार उसके गुनाहों का सच सामने ला दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बीते दिनों नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया था। रेप का आरोप सपा नेता नवाब सिंह यादव पर लगा था। अब इस केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दुष्कर्म मामले में नवाब सिंह यादव के डीएनए जांच की रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है। यूपी पुलिस के मुताबिक कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का नाबालिग रेप पीड़िता के साथ डीएनए सैंपल मैच हुआ है। पीड़िता के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हो गया। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि रेप की पुष्टि होने के बाद नवाब सिंह पर शिकंजा और कसने वाला है। नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि 11 अगस्त की रात नवाब सिंह यादव ने अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग के साथ रेप किया था। उसी रात पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पीड़िता के बुआ को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि वो अंडरग्राउंड हो गई थी, लेकिन पुलिस ने 21 अगस्त को बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया। जब नवाब सिंह यादव ने घटना को अंजाम दिया था, पुलिस का कहना है कि उस वक्त पीड़िता की बुआ कमरे के बाहर मौजूद थी। पीड़िता के आवाज लगाने पर भी उसने मदद नहीं की थी। जानकारी के मुताबिक कन्नौज में नवाब सिंह यादव की इमेज एक दबंग की है। नवाब सिंह यादव के खिलाफ कन्नौज में ही 15 केस चल रहे हैं। उसके खिलाफ 3 मामले गुंडा एक्ट में दर्ज हैं। गांव के लोग बताते हैं कि आज से 25 साल पहले नवाब सिंह का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन पिछले 20 साल में उसने करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिर्फ कन्नौज में नवाब सिंह यादव के पास 2 मकान, 1 डिग्री कॉलेज और 1 आलिशान होटल है, जिनकी कीमत करीब 70 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा नवाब सिंह यादव कई बेनामी संपत्तियों का मालिक भी है। प्रशासन का अनुमान है कि नवाब सिंह की प्रॉपर्टी करीब 300 करोड़ रुपए की है। नवाब सिंह की प्रॉपर्टी की जांच हो रही है और अपराध से अर्जित जो भी संपत्ति मिलेगी, उस पर अब प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है।